हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए राजस्थानी स्पेशल डिश लेकर के आए हैं, दाल ढोकली। दाल ढोकली बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही आसानी से हम इसको घर पे बना सकते हैं। इसके लिए आप जो चाहें वो दाल ले सकते हैं, जो दाल आप लाइक करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक कटोरी मूंग की दाल 1 घंटे पहले धो के भिगो दी थी। आप यहाँ पे उड़द की दाल या मूंग की दाल में चने की दाल मिक्स करके या अरहर की दाल, जो भी दाल आप लाइक करते हैं, छिलके वाली दाल बना सकते हैं। सबसे पहले हम दाल बना लेंगे। हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। दाल में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 सीटी लगा लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक दाल तैयार होती है तब तक हम ढोकली के लिए आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सूजी या बेसन भी मिला सकते हैं। इसमें मैंने देखिए थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। अजवाइन पेट के लिए बहुत सही रहती है। नमक डाल दिया है। अब हम इसको जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से आटा लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आटा लग के तैयार हो गया है। हम इसमें 1 चम्मच घी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। आटा बहुत अच्छे से लगा लिया है हमने। इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स, दाल में सीटी आ गई है। हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और प्रेशर के निकलने का वेट करेंगे। आइए, जब तक कुकर का प्रेशर निकल रहा है तब तक हम दाल फ्राई कर लेते हैं। हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल दिया है। जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी राई डाल देंगे, एक सूखी हुई लाल मिर्च हमने तोड़ के डाल दी है, करी पत्ता, अदरक और गार्लिक का पेस्ट, हरी मिर्च, टमाटर। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छे से मसालों को पकने देंगे। मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, दाल भी रेडी है। दाल को डाल देंगे। दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी है इसलिए मैं यहाँ 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। गैस के फ्लेम को कम कर देते हैं। आटा भी एकदम रेडी है। बेल लेंगे इसको। हमें ज्यादा पतला नहीं बेलना है। देखिए, मैंने थोड़ा सा मोटा ही बेला है। अब हम कट कर लेंगे। देखिए, मैंने कट कर लिया है। दाल भी बॉईल हो गई है। अब हम एक एक करके सारी ढोकलियों को दाल में डाल देंगे।
ढोकली डालने के बाद तो धीरे धीरे इसको चलाते रहें ताकि ढोकलियाँ आपस में चिपके नहीं। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। फ्रेंड्स, बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि ढोकलियाँ चिपके नहीं। पकने का वेट करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। आइए ढोकली देखते हैं। देखिए ढोकली बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से पक गई हैं। आधा नींबू डाल देंगे हम काट करके इसमें। मैंने यहाँ आधे नींबू का रस निकाल लिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें धनिया पत्ती भी डाल दिया है। आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ढोकली को सर्व कर दिया है। आप अगर पसंद करते हैं तो ऊपर से कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। मैंने ऊपर से कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है। तो राजस्थानी दाल ढोकली बिल्कुल तैयार है। आप ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।